और नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर हल्द्वानी से। हमारे कॉलोनी में नीचे भागवत कथा हो रही है और आपको भी ले चलते हैं यहाँ की भागवत कथा कैसी है। और बाद में भंडारा भी है आज, आप बने रहें हमारे ब्लॉग में, आपको भी ले चलेंगे वहाँ। हल्द्वानी में आज बारिश से बहुत अच्छा मौसम हो रखा है और बहुत बढ़िया हो रखा है। हल्की हल्की धूप आ रखी है पर सुबह बारिश हुई तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। ऊपर इतनी सुंदर आ रखी है आज, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ से। और ऊपर बादल लगे हैं, बारिश होने से बहुत अच्छा हो गया यहाँ का मौसम आज। अभी तो दिन के 12 बज गए हैं, अभी मतलब धूप नहीं लग रही है, अच्छा सा लग रहा है। अभी मौके हैं रेडी, अब निकलते हैं सीधे मंदिर में, आपको ले चलते हैं। ये हो रहे हैं प्यारे से फूल, ये है तुलसी माता, हरी भरी तुलसी की क्यारी। और ये लगा रखे ऊपर गमलों में फूल, और ये लग गए हैं यहाँ हल्द्वानी में बाबरे तुरई, करेले लग गए हैं, ये हमारे पड़ोसियों के मक्के लगे हैं खेतों में। आंटी अंकल जी इतनी मेहनत करते हैं भैया, करेले पूरे करेले लगे हैं इतने बड़े बड़े, ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक, बहुत सारे लग रहे हैं छोटे छोटे अभी। और ये हो रही है नीचे कद्दू की बेल, आपको दिखाते हैं हम, ये कद्दू के फूल लगे हैं अभी, कद्दू तो नहीं दिख रहे हैं मुझे कहीं पे, पूरी बेल रोड में आ रही है। और ये लगे हैं अंकल लोगों के अनार के दाने, ये लगे हैं पूरे इसमें अनार, ये खिल रहे हैं यहाँ पर प्यारे प्यारे फूल। हरे हरे गार्डनिंग हो रही है, हरी हरी। मैंने हाँ तुमसे मैंने बोल दिया, जरूर खाते थे मम्मी मिला बोला, आज हम भागवत कथा के समापन में शामिल होने जा रहे हैं। मेरे को भेज देना आता है, सभी सहेली एक साथ, सभी सहेलियां एक साथ जा रहे हैं भागवत कथा में। भागवत कथा का प्रसाद ग्रहण करेंगे, हाँ जो कथा का रसपान ले रहे थे। हाँ दिन छह दिन का, छह दिन हो गए तुम लोगों को, मुझे तो नंबर पे भेजना है। मेरा तो फर्स्ट डे है, आज ही मैं प्रसाद खाने जा रही हूँ। एक दिन नहीं आई, और क्या आया प्रसाद भी सबको थोड़ी मिलता है, सबको नहीं मिलता। हाँ तंदूरों को छोटा करा बोला, बस आशीर्वाद लेने तो गए आज, आपको भी दिखाते हैं, आप बने रहना हमारे ब्लॉग में। छोटे बच्चे तो नमस्कार ही हो गया, छोटे को आशीर्वाद को प्रणाम, छोटे बच्चे वालों हां ये लोग छोटे तो क्या होंगे, बराबरी होगी। वो कहां गई पिसा जी, वो तो तगड़ा का हूं खैर, नहीं बोर हो गया तुलसी वो है। ये रास्ते हम जा रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं, आप बने रहना हमारे ब्लॉग में। हाँ और पहुँच गए हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, भी दिखाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हैं
पे भंडारे का प्रसाद बन रहा है, यहाँ भी हवन हो रहा है। आगे हम मंदिर में आशुतोष महादेव भगवती दुर्गा मंदिर स्वाहा
बोलो यज्ञ वृंद भगवान की हो। किनारे किनारे डालेंगे यज्ञ वृंद भगवान की, माधव भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की जय हो। सभी लोग बैठ जाएं, सभी के सर में डाल देंगे और जिसको घर ले जाना होगा बाल्टी में रख देंगे, वो घर ले जाना आराम से फ्रेंड से क्या मोहब्बत से आधे से भी कम दो चम्मच से भी बहुत है। नमस्कार समर ज्ञानी चढ़ाने के भगवान को चार परिक्रमा करेंगे यज्ञ पुरुष की, नहीं नहीं आगे से श्रीपति जी पीछे से श्रीमान जी ऐसे घूम करके कलाकाई जैसे घड़ी घूमती है। हाँ आगे श्रीमान पीछे आगे श्रीमती पीछे श्रीमान आगे श्रीमति जी पीछे श्रीमान। इसके बाद आप अपने यथास्थान बैठ जाएंगे। पहले आज आप लोगों को कथा सुनेंगे, उसके बाद ब्यास पूजन होगा, फिर महाआरती होगी, आप लोगों को आज ब्यास जी के हाथ से प्रसाद वितरण होगा। भगवान इसके बाद भगवान को प्रणाम कर लेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा मेरे को भी कर लेना फिर आज में आचार्य होगा ताकि समझे जल्द भंडारा खा के घर में और घर आके चाय पानी भी हो गया है। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं।